अयोध्या पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की लखनऊ और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। अयोध्या पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी अयोध्या में जो सीएचसी का निरीक्षण कर रहे थे वह पहले से ही प्लान्ड था, वह पहले से तैयारी किया हुआ निरीक्षण था। प्रदेश के सीएचसी क्यों खाली पड़ी है, वहां इलाज क्यों नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी जो तय करेंगी उस पर समाजवादी पार्टी हाँ कर देगी, उनके साथ सपा का समर्थन होगा। पीएम मोदी के 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने के वादे पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। पिछले कार्यकाल में इसी भाजपा ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी देंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सवाल भी किया कि ये 10 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के लिए है या पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भाजपा दावा करती थी कि पहले केवल वीआईपी जिलों में ही बिजली दी जाती थी, अब भाजपा बताया बिजली कहां कहां जा रही है। अयोध्या में लोगों को कितने घंटे बिजली मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा है तो बिजली क्यों नहीं खरीद रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब कोर्ट के आदेश से ही बुलडोजर रुकेगा, कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। जो सरकार दावा करती है कि केवल वीआईपी जिलों में बिजली जाती थी, आज बताए अयोध्या में बिजली कितनी आ रही है, 24 घंटे में कितनी बार बिजली चली जाती है। और अगर इसकी जानकारी करनी है तो आप पता कर लीजिए, किसी भी गांव में जानकारी करें कि आखिरकार कितनी बिजली आ रही है वहां पर। अगर गांव में 2 घंटे आ रही है तो बिजली आखिरकार कहां जा रही है, और किसने रोका इनको बिजली ना खरीदने के लिए। जिस समय बिजली का संकट आया, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर इतना पैसा है ये बिजली खरीद करके दें, और दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार एक ही पार्टी की है, तो एनटीपीसी का बगल में लगा हुआ प्लांट है, पूरी बिजली क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पर बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश का।